बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी के नेता की शर्मनाक करतूत। सपा नेता की बेटी के साथ ये क्या किया? सपा नेता की 26 साल की बेटी के साथ 47 साल के बीजेपी नेता ने जो किया, उसने तो पूरी की पूरी पार्टी की फजीहत करवा दी। बेटी का सम्मान करने का बीजेपी करती है दावा, लेकिन बीजेपी नेता ने जो किया उसने तो शर्मसार कर दिया। देखिए कैसे दो बच्चों के बाप बीजेपी नेता ने पार्टी की करवा दी फजीहत। अब न किसी को जवाब देते बन रहा और न चुप रहते बन रहा है। कहने को तो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन उसी के नेता ने सपा नेता की बेटी के साथ जो किया, उसने तो पूरी की पूरी बीजेपी की फजीहत करवा दी। मामला ऐसा है कि जिसने सुना वो दंग रह गया और हर किसी ने इसका विरोध किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी के लोग तो सबको संस्कार की पाठशाला जाने की नसीहत देते हैं, लेकिन खुद की पार्टी में ऐसे लोग हैं जो ना तो संस्कारी हैं और ना ही महिलाओं के प्रति उनकी सोच ठीक है। गाजियाबाद में जहां एक बीजेपी नेता गैर कानूनी तरीके से रशियन गर्ल्स का डांस अपने पब में करवाने के आरोप में सुर्खियां बटोर रहा है, तो हरदोई बीजेपी का नेता सपा नेता की बेटी के साथ कुछ ऐसा करके फरार हुआ कि पार्टी की फजीहत हो रही है। बताएंगे मामला क्या है, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या बीजेपी नेता सिर्फ दिखाने के संस्कारी हैं और उनका दिल मैला है? क्या बीजेपी वालों की कथनी और करनी में फर्क है? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं हरदोई के मामले की। तो यूपी के हरदोई जिले में बीजेपी के एक नेता पर सपा नेता की बेटी को भगा कर ले जाने का आरोप लगा है। इस मामले में सपा नेता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी के नगर महामंत्री आशीष शुक्ला पर 26 साल की लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि 47 साल के बीजेपी नगर महामंत्री एक सपा नेता की 26 साल की बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। शादीशुदा और दो बच्चों के बाद बीजेपी नेता के इस करतूत से पार्टी की किरकिरी होने के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष ने उसे निष्कासित कर दिया। पूरा मामला हरदोई शहर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले का है, जहां बीजेपी के 47 साल के नगर महामंत्री आशीष शुक्ला पर समाजवादी पार्टी के नेता की 26 साल की बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगा है। सपा नेता की ओर से पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया है कि आशीष शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला 13 जनवरी को उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया। इलाके में चर्चा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच सपा नेता की बेटी की शादी भी तय हो गई थी, लेकिन दोनों फरार हो गए। बता दें कि बीजेपी नेता आशीष शुक्ला शादीशुदा है और उसका 21 साल का बेटा और 7 साल की बेटी है। इस बीच सोशल मीडिया पर पूरा वाक्या जमकर वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि सत्ताधारियों के चाल चरित्र कैसे हैं, आशीष शुक्ला ने साबित कर दिया। इन नेताओं का नारा तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का है, लेकिन यह नारा खुद पार्टी के नेता नहीं मानते। अब तो नारा होना चाहिए बीजेपी नेताओं से बेटी बचाओ। सपा नेताओं की तरफ से जमकर सत्ताधारियों पर तंज कसा जा रहा है और जमकर बीजेपी की बखिया उधेड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।